लेते हैं अगली पंक्तियां। पुष्प पुष्प से तंद्रारस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर मुखो है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि प्रकृति के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रारस से लालसा खींच लूंगा कहने का अर्थ है जैसे वसंत आता है उससे पहले कलियां पुष्प वगैरह फूल मुरझाए हुए होते हैं और वसंत आते ही उनके अंदर नई जान डाल देता है ना, और उनका आलस्य उनकी जो इच्छा है खींच वो खिलने लगते हैं। तो उसी तरह कवि कहता है पुष्प पुष्प तंद्रारस लालसा खींच लूंगा, यानी जो मनुष्य आलस्य में बैठे हैं उनको मेरी कविताओं से प्रेरित करके उनको मैं क्या करूंगा आगे बढ़ाऊंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा, यानी उनके जीवन को मैं क्या करूंगा प्रसन्नता के साथ सींच दूंगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको है मेरे जहां वो आनंद, यानी मैं मेरी कविताओं के माध्यम से उनको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखा दूंगा। आनंद का मतलब ईश्वर, यानी मैं मेरी कविताओं के माध्यम से उनको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखा दूंगा, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरे अंदर तो कार्य रचनाओं को करने का जो जोश और उत्साह जागा है उसका अंत नहीं होगा, अभी मेरी कार्य रचनाएं समाज में जाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी या लोगों को भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगी या उनका मार्गदर्शन करेगी। कवि यहाँ पर कहना चाहता है पुष्प का अर्थ है यहाँ पर वो युवा जो आलस्य और निंद्रा में डूबे हुए सोए हुए, उनको वो क्या करेगा उनके तंद्रारस और लालसा जो भी उनकी लालसा है इच्छा है तंद्रारस यानी वो आलस्य में डूबे हुए हैं तो उनको क्या करेगा दूर करेगा, किसके माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम से, यानी युवाओं को नींद से जगाकर अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा, उनको अपना नया जीवन जीने के लिए क्या करूंगा प्रेरित करूंगा, द्वार दिखा दूंगा उनको मेरे को जहां आनंद, यानी मेरी कविताओं से उनको भगवान से मिलने का क्या दिखा दूंगा द्वार दिखा दूंगा, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरी कविताओं के अंदर अभी उत्साह और आशा का संचार हुआ है, अभी मेरा अंत होना निश्चित नहीं है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगा, उनके अंदर आशा का संचार करूंगा, जो नींद में डूबे हैं जो आलस्य में डूबे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा और समाज को ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाऊंगा। कवि ऐसी इन पंक्तियों में भावनाएं रखते हैं। ये तो हो गए इन पंक्तियों की व्याख्या, अब लेते हैं शब्दार्थ। पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रारस तंद्रारस का अर्थ है आलस्य और नींद, लालसा लालसा का अर्थ है इच्छा, नव का अर्थ है नया या नवीन, सहर्ष सहर्ष का अर्थ है प्रसन्नता के साथ, द्वार द्वार का अर्थ है दरवाजा, अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो। यह हो गए शब्दार्थ, अब इसकी आपको व्याख्या भी करनी पड़ेगी और प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। आप इसका प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित ध्वनि पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि वसंत के माध्यम से युवाओं के अंदर आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी व्याख्या करोगे जिस प्रकार वसंत युवाओं के अंदर नई जान फूलों के अंदर नई जान डाल के उनको खेलना सिखाता है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह कवि भी युवा पीढ़ी की आलस्य से नींद से जगाकर उसको आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर आशा का और उत्साह का संचार करना चाहते हैं और उनको ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाना चाहते हैं। कहते हैं पंक्तियों से बने कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, पुष्प यहाँ किसके प्रतीक हैं? इसका उत्तर होगा पुष्प यहाँ आलस्य में डूबे हुए व मार्ग से भटके हुए युवाओं का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, अपने नव जीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? यहाँ पर उत्तर
प्रेरित करना चाहते हैं उनको अमृत कहा है। अगला है तीसरा प्रश्न, द्वार लिखा दूंगा से कवि का क्या आशय है? उत्तर होगा, द्वार लिखा दूंगा से कवि का आशय है कि युवा पीढ़ी को सही राह दिखाना, यानी जो युवा है आलस्य में डूबे हैं, निद्रित है या घबरा कर या निराश होकर बैठ गए हैं, उनको सही राह दिखाना या उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यह हो गया एक पंक्तियों से लिए प्रश्न उत्तर। पहले लेते अपने पंक्तियों से बने प्रश्न उत्तर, अब लेते हैं पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं वो। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, यानी कवि को ऐसा विश्वास क्यों है, क्योंकि क्यों अभी उसका अंत नहीं होगा? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसके जीवन में अभी अभी तो उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि जब तक मैं आयुष्य में डूबे युवाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से जगा नहीं देता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। यानी कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है, कहने का अर्थ है कवि कहना चाहता है कि मैं जो आलस्य में या निराश होकर जो व्यक्ति बैठ चुके हैं, जब तक मैं उनके अंदर आशा का संचार नहीं कर देता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। लेते हैं दूसरा प्रश्न, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों, फूल यहाँ पर उत्तर है इसका, फूल यहाँ पर युवा पीढ़ी का प्रतीक है। फूल क्या है? युवाओं का प्रतीक है। यहाँ पर फूलों को अनंत तक विकसित करने का अर्थ है कवि आलस्य में डूबे युवाओं के अंदर अपनी कविताओं के माध्यम से जोश और उत्साह भरकर उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। यानी अनंत तक भगवान से मिलने या ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, वहां तक वो उनको ले जाना चाहते हैं। किसको? युवाओं को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए कवि कहता है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से कार्य करता है? कवि अपने कविताओं के माध्यम से उनके अंदर जोश और उत्साह भरने का कार्य करता है। यह हो गया अपना दूसरा प्रश्न। लेते हैं आगे वाला, लेते हैं अगला प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर है इसका, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए वसंत जैसा कोमल हाथ फेरकर उन्हें खिला देना चाहते हैं। अर्थात जिस तरह वसंत आते ही कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह कवि अपनी कविताओं में जोश और उत्साह भरकर युवाओं के जीवन में नया उजाला करना चाहता है। कहने का अर्थ है, कवि पुष्पों की तंद्रा यानी पुष्पों के अंदर जो अधखिली कलियां होती है, तो देखो वसंत ऋतु आते ही सारी कलियां फूल वगैरह सब खिलने लगते हैं। तो उसी तरह कवि जो निराश होकर आलस्य में डूबे, जो नींद मग्न है, जो अपने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या भरना चाहता है? जोश और उत्साह और आशा का संचार करकर उन्हें आगे बढ़ाकर नया उजाला देना चाहता है। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे है, वसंत को ऋतु राज क्यों कहा जाता है? ऋतु राज का अर्थ है ऋतुओं का राजा। वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की ऋतु होती है, लेकिन वसंत को ही ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, भारत में एक साल में 6 ऋतुएं आती हैं, जिसमें वसंत ऋतु सबसे अलग है। इसके आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, खेतों में हरियाली लहराती है और मोर पपीहा बोलने लगते हैं। यह ऋतु हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कहने का अर्थ है, वसंत और सारे मौसम आते जाते रहते, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब आप देखो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, किसानों के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप खेत में अनाज वगैरह बोएंगे उगाएंगे तो उनके चेहरे पर भी क्या आ जाती है? मुस्कान आ जाती है और नए पेड़ों पर
पुराने पत्ते गिरकर वहां नए पत्ते आने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और ये ऋतु हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है। स्वास्थ्य वर्धक कहते हैं क्योंकि इस मौसम में अपने को अलग अलग प्रकार के नए नए अच्छे अच्छे पौष्टिक फल फ्रूट वगैरह खाने को मिलते हैं और नया अनाज खाने को मिलता है। तो हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छे होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इस ऋतु को स्वस्थ वर्धक माना है और ये स्वस्थ वर्धक होने के कारण